शाहपुर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 13 अगस्त की रात पादरी बाजार में हुई चोरी की घटना का खुलासा किया है और चोरी गए लगभग 25 लाख रुपए के बहुमूल्य जेवरात 6 अदद मोबाइल फोन को बरामद करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जबकि दो अभियुक्त मौके से फरार होने में सफल हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान रामू कुमार पुत्र वीरेंद्र कुमार साहनी निवासी मोहनापुर बड़का टोला थाना शाहपुर के रूप में हुई है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए सीओ गोरखनाथ व क्राइम प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि 17 अगस्त को रात्रि में गोड़दहिया पुल के पास मुखबिर की सूचना पर चोरी के बहुमूल्य जेवरात व मोबाइल के साथ अभियुक्त रामू कुमार पुत्र वीरेंद्र कुमार सानी निवासी मोहनापुर बड़का टोला थाना शाहपुर गोरखपुर के में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से बरामद जेवरात में सोने के 8 चैन, 3 मंगलसूत्र, सोने की 7 अंगूठी, 4 बाली, 22 स्टब्स, कान का झाला, झुमका, 2 कंगन, 2 जूतियाँ पीली धातु, 4 चूड़ी, 2 सोने का हार सहित 25 लाख के गहने बरामद किए हैं। चोरी गए सभी गहने बरामद होने पर पीड़ित व्यक्ति हरीशचंद्र ने गोरखपुर न्यूज़ के माध्यम से पुलिस की सराहना की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए सीओ गोरखनाथ व क्राइम प्रवीण सिंह ने कहा, ये जैसे थे घरों को चिन्हित करते हैं कि कौन से घर खाली हैं, कौन से घर खाली लोकल है, चूंकि मोनापुर की चोरी थी, मोनापुर की है, तो ये जैसे अपने क्षेत्र में घरों को चिन्हित करते हैं कि लोग अब तो शादी विवाह के कार्यक्रम में गए हों, घूमने गए हों बाहर, वैसे घरों को चिन्हित करके रात में ये घूमते हैं मोटरसाइकिल से और फिर उसके बाद ये अपने की वारदात को अंजाम देते हैं। उसमें से एक या दो लोग फिर मकान के अंदर प्रवेश करते हैं, बाकी वहाँ कुछ लोग मकान के बाहर एक ही करते हैं। इनके सर्विलांस के माध्यम से भी इनके गैंग में अन्य कितने लोग पुरस्कृत भी किया जाए। मैं हरिश्चंद्र सिंह, पादरी बाजार, 13 तारीख के रात्रि में चोरी करीब 16 लाख रुपए का जेवरात, कुछ नगद था और एक कैमरे का DVR था, एक DVD था, सब गया है। 20 लाख नियर हो जाएगा जी, शिनाख्त किए हैं। हाँ, टोटल माल लगभग है। गोरखपुर पुलिस खासतौर पर अपने चौकी प्रभारी पादरी बाजार, थाना प्रभारी शाहपुर, क्षेत्राधिकारी महोदय को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी लूट होने के बाद पुलिस तत्परता से हमारे मुकदमे केस को देखा और चोर को पकड़ा, माल बरामद हुआ और इसलिए ये चोरी हुई थी। रात में ताला तोड़ कर, हम लोग घर में नहीं थे, ताला तोड़ करके घर में घुस करके अलमारी वगैरह के लाकर वगैरह के ताला तोड़ करके ये सारा माल चुराया गया था। और अपराधियों पे अंकुश लगाने के लिए कप्तान साहब के निर्देशन में लगातार जो कार्रवाई चल रही है उसी के क्रम में 13 तारीख को रात में ये पादरी बाजार मोहनापुर में एक हरिश्चंद्र सिंह जी हैं, उनके यहाँ की चोरी हुई थी जिसमें अरे लाखों के हीरो उसमें जवाहरात गए थे और उसी के क्रम में कल जो मुखबिर द्वारा सूचना मिली तो ये गोड़दहिया पुल के पास कल गिरफ्तारी हुई है। चौकी पादरी बाजार और थाने की टीम उसमें थी, ये अरे सराहनीय कार्य रहा जिसमें जो मुख्य अभियुक्त रामू कुमार मोहनापुर का रहने वाला है उसकी गिरफ्तारी हुई और तकरीबन 25 लाख के जो मूल्यों के उसमें अरे सोने और चांदी के जेवरात मतलब प्राप्त हो गए हैं। कुल 7 मोबाइल और प्राप्त हुए हैं जिसके बारे में छानबीन की जा रही है कि या तो चोरी या लूट कहाँ से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ मैं ये मतलब बताना चाहता हूँ कि 2 अभियुक्त वहाँ मौके से फरार हुए हैं, एक मोटरसाइकिल प्राप्त हुई है हीरो होंडा स्प्लेंडर UP 32 की और गाड़ी के नंबर के हिसाब से और अपने स्तर पर हम लोग देख रहे हैं और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। कुल मिला के 3 लोग थे जैसा अभी इसका बताना है, कुल मिला के 3 अभियुक्त थे, एक की गिरफ्तारी है, 2 की अभी उसमें अनुवांछित सामान मिला थी। मालिक आपके सामने बैठे भी हैं, आप उनसे ही बात कर सकते हैं। कल रात की ये अब तो 100% मतलब बरामदगी 25 लाख के आसपास की 100% बरामदगी है, हर एक सामान बरामद।